करांगी गल, मम्मी जी मेरी गल कदे नहीं टालेंगे। बड़ी छेती नहीं यकीन हो गया तेनू अपनी सास ते? देख तू हले अपनी सास नू जानदी नहीं है, जे उहनू जरा भी शक हो गया तू भाभी दी तरफदारी कर रही है तो अपने लागे नहीं आंदना उहनू तेनू कदे भी। ते ना आंदे मैनू की फर्क पैना, पर हाँ एक गल जरूर साबित हो जाएगी कि ओना प्यार वो अपनी धी नाल नहीं करते जिन्नी नफरत अपनी नूह नाल करते ने। तू कित्थे चली आउण बाहर नू? तेरी बेबे नू इह समझाण कि कल जो डॉक्टर इस घर च आवे तो ज्यादा रौला पाने की लोड़ नहीं है। छेती रहन दे, जे बेबे का दिमाग फिर गया ना अद्धी रात नू महापार छिड़ जानी है इस घर च। बस यही दिक्कत है तुहाडे परिवार की, शोर शराबे के डर नाल सारियां पुठियां सीधियां गल्लां बर्दाश्त करी जाओ, जो गुस्सा आए तो फिर ऐजा हथौड़ा मारो ऐजा हथौड़ा मारो, सारा टब्बर टोटे टोटे हो जाए, अंजाम की कोई परवाह ही नहीं करते। तेरा इशारा कितने बाऊजी वाल नहीं है? बिल्कुल उन्हां दी गल कर रही हूँ, भी एक बच्चियां वाली जिद फड़न की की लोड़ सी डॉक्टर नू करे बुलाना। जेकर ठंडे दिमाग नाल सोचते तो भजनू के इलाज का होर भी तो कोई राह निकल सकता सी ना, पर डॉक्टर नू करे बुला के तो फसाद नू न्योता देने वाली गल हुई ना। छेती तो छड़ना इन्हां गल्लां नू, एवं लैक्चर चढ़ जानी है तो आराम नाल सो जा, सवेर दी सवेर देखांगे। फिर उही गल, सवेर दी सवेरे देखांगे, बस गल्लां नू लटकाई जाओ लटकाई जाओ, ए नहीं कि हुणे सुलझा लिए ताकि सवेरे झगड़े की नौबत ही ना आवे। चल हट पर सोन दे मैनू, मैं एवें सिर दर्दी लई जानी आ। दो रोटियां चुभन लग गई। हाय पागो तू भी गल ना पुठे पास ले जानी है, तू कवे ते तेरे नाल मैं देसी घ्यो दे परौंठे बन दवां ताकि जब तक तू अपनी भरजाई दे घर वापस नहीं आ जांदी खांदी रहे उते। पर तू मैनूं पिंड क्यों भेजना चाहनी है? तेरी भतीजी खातिर। भजनू खातिर? देख पागो चाहे मैं लख टकरा मार लूं पर मैनूं पता हैगा तेरे अलावा इस घर च मेरी दिल की गल समझण वाला कोई नहीं, तू ही कहेगी जेड़ी इस मां दे दर्द नू समझेंगी, इसे लई तां अद्धी राती तेनू इत्थे बुला के लियाई हां ताकि मैं अपना दिल फरोल सका तेरे सामने। पर पागो एक गुजारिश है तेरे सामने, इस गल दी किसे नू सूह ना लगन दई। नहीं लगेगी सूह, पर तू मैनू ये तां दस वी मसला की है? पागो तेनू याद है जदों तू एक बारी अपने पिंड तों आई सीगी तां तू मैनू भजनू लई एक फोटो दिखाई सीगी एक मुंडे दी? हां याद है। बस पागो तू कल सवेरे ही उदे घर चली जा, उदे माँ प्यो नाल मिल के गल पक्की करके आ जा, मैं 20 दिनों दे अंदर अपनी धी दा व्याह ओ मुंडे नाल करना है। बस शिबू तेरी मत तां नहीं मारी गई इहो जी हालत च? कौन करूगा उहदे नाल व्याह? ले कौन नहीं करेगा भला हैं, मैं अपनी धी दे गल च इन्ना सोना ला देंगी कि सारिया दियां अखां चुदिया जाणगियां, इन्ना दहेज दे देंगी कि उन्हां नूं मेरी धी च खूबियां ही खूबियां नजर आणगियां, नोटां दी चादर उन्हां दे अखां ते पर्दा पा देगी। हां वाह निशी बोवा, तू अपनी धी दा व्याह करना चाहनी है जां उहदे लई मुंडा खरीदना चाहनी है? धन दौलतां नाल कदे भी किसे रिश्ते दी बुनियाद नहीं रखी जा सकदी शिबू, फिर व्याह शादी दा मसला तां जीवन भर दा साथ हुंदा है।
जिहड़ा प्यार नाल, जज्बात नाल, ते विश्वास नाल ही निभाया जा सकता है। मैनूं तां ऐ लगदा है कि तेरे नाल गल करके ही मैं गलती कीती, पर तू तां मैनूं ही पाठ पढ़ाने लग गई। देख पापू, तैनूं मैं जिवें कहा ना बस उवें कर। कल सवेरे जा, मेरी धी का फोटो दिखा उन्हां नूं, और फिर मैं वेखदी हां किवें उह मेरी चन्न वर्गी कुड़ी नूं मना कर देगी। पर जदों उन्हां नूं इह पता लग्गिया कि साडी कुड़ी दे दिमाग च नुक्स है, फिर की होऊगा? वाह पागो वाह, ओए उन्हां नूं पता लगे या ना लगे, पर तू मेरी धी का मजाक जरूर उड़ाई जाए। हाँ, इस लई कि दूजे घर जाके साडी कुड़ी मजाक ना बने। मैनूं सब समझ आ रहा है, तू किहदी भाषा बोल रही है। तू उसे जनाती की भाषा बोल रही है जिन्हें तेनू यह सारी पट्टी पढ़ाई है, जिन्हें कभी नहीं चाहती कि मेरी धी का पागलपन दूर होवे, उदी डोली उठे, उदा घर वसे। तू जो मर्जी समझ ले, भजनों की एहो जी हालत में उदे व्याह बारे सोचना भी पाप है। मासूम दे गल विच अंधा पण दा गुनाह मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रब दे वास्ते तू भी इहो जी हालत भजनों दे व्याह बारे ना सोची, किते यूं ना होवे कि तू अपने हाथों अपनी कुड़ी भी गुआ बैठे। बाबा जी की भविखवाणी है कि मेरी भजनों व्याह तो बाद ही ठीक हो सकती है, सिर्फ व्याह तो बाद। हे सच्चे पातशाह, हे मेरे वाहिगुरु, तू न्योटिया की ओट, तू न्यासरिया का आसरा है। हे मेरे परमात्मा, ये तेरी बच्ची है, इहदे ते अपनी मेहर का हाथ हमेशा रखी। ती ध्याणी दे नाल कदे भी कोई भाणा ना वरतण दे, जिहदे नाल इहदी मासूमियत चली जावे। मेरे परमात्मा, सानू तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा। सतनाम श्री वाह। हर्ष, की गल, इत्थे बैठे बैठे सो गए? कुछ नहीं दीदी, अभी बाहर घूमन निकलिया सी, इत्थे बह गया, अख लग गई। डॉक्टर साहब, तुसी उसी कुड़ी बारे सोच रहे हो? केड़ी कुड़ी? ओए जिहदा इलाज तुसी बड़ी दिलचस्पी नाल कर रहे थे ना। अच्छा, पजनो लो, तुसी आप ही उहदे नाल ले लिया। वैसे इस गल विच तां कोई डाउट नहीं है कि तुसी अपने सारे केसेस बड़ी चंगी तरह करते हो, पर यह जिहड़ा पर्टिकुलर केस हैगा है, मैं देख रही हाँ तुसी बड़ी सीरियसली लै रहे हो इस केस नूं। बस दीदी, इस करके ही अपने आप से बड़ा गुस्सा आ रहा है। इन्ना चिर हो गया भजनों का ट्रीटमेंट करते करते, पर उसके दिमाग में कुछ फर्क ही नहीं पै रहा। कभी कभी ऐवें लगता है कि मैं अपनी साइकेट्री से डिग्री पढ़ लिख के नहीं, छोले बेच के लीती है। वीर, तू अपनी डिग्री अपनी काबिलियत के बलबूते ते लीती है, बस तू ये चाहता है कि भजनों वक्त तो पहला ठीक हो जाए। पर वीरा, यहो जे केसेस तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं ना। मैं ठीक तो कह रही हूँ ना? हाँ, इन्ना टाइम तो लग ही जाता है। तो भजनों का इलाज करते तो तेनों हले 6 महीने ही हुए। पर दीदी, मैं चाहूँगा कि वो कल ही ठीक हो जाए। तुसी नहीं चाहोगे तो होर कौन चाहोगा? की मतलब? अब मेरा मतलब ये है कि हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसके पेशेंट का इलाज छेती छेती हो जाए, तो वो छेती छेती ठीक हो जाए। स्पेशली वो पेशेंट जो जवान कुड़ी हो। दीदी, तुसी भी ना। डॉक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर की भैन हाँ। वो डॉक्टर जिहड़ा इन्ना वड्डा साइकेट्रिस्ट हैगा है, तो थोड़ी जी अकल तो मैनू भी हैगी है ना। हर डॉक्टर यही चाहता है कि वो जवान पेशेंट का इलाज छेती छेती हो जाए, ताकि उस पेशेंट के माँ प्यो हाथ छेती छेती पीले कर दें। तेरे दिमाग विच भी यही चल रहा है ना? हाँ जी, हो सकता है। हो नहीं सकता, यह गल है।
मैनू अपने वीर ते पूरा भरोसा है, रब तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। पजनू वक्त तो पहला ठीक हो जाएगी, क्योंकि तू ओदा इलाज दिमाग नाल ही नहीं दिल नाल भी कर रहा है। ते जिथे दिल ते दिमाग दोनों मिल जाते हैं ना, उस काम नू सिरे चाड़न वास्ते रब की मर्जी भी शामिल हो जाती है। चल हम अंदर चल के सो जा। Oh.